पंजाबी गायक शुभदीप सिद्धू मूसेवाले का 29 मई को पिंड जवारके दे विच गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। अज पूरे 5 महीने बीत चुके ने जिथे सिद्धू की याद दे विच लगातार सिद्धू के प्रशंसक हंझू बहा रहे उत्थे परिवार इंसाफ की मांग कर रहा लगातार देश के कोने कोने तो सिद्धू के प्रशंसक सिद्धू के खेत के परिवार नाल दुख साझा कर लई पहुँच रहे। तस्वीर दिखावांगे सिद्धू मूसेवाला के खेत दी इह तस्वीर ने जिथे वख वख पिंडां तों ते वख वख राज्यां तों ते देशां तों लोग जिहड़े सिद्धू दी समाध दे उपर आ रहे ने ते सिद्धू नूं सरधांजली भेट कर रहे ने। अज 29 तरीक उह तरीक आ जो 29 मई सी जिस दिन 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाले दा अज्ञात व्यक्तियां वल्लों गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। हालांकि पुलिस वल्लों चाहे कुछ जिहड़े व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लए ने पर परिवार फिर भी इंसाफ की मंग कर रहा कि जो विदेशों के सिद्धू मूसेवाला के साजिशकर्ता ने उन्होंने भी जिहड़ा काबू किया जाए। साडे नाल कुछ मूसा दे अते बाहरों आए लोग मौजूद आ गल कर रहे हैं कि कहोगे पाली लगातार अज 29 तरीक होगी 29 तरीक का यही जिहड़ा समा सी जदों सिद्धू का कतल किया गया। अज साडे भरा नूं पूरे 5 महीने हो गए ने। अज दा दिन 29 तरीक है, बहुत काला दिन है। तो असी जो इंसाफ की गल करिए जिहड़े शूटर आ तो लगभग सारे पुलिस दे ग्रफ दे विच हैगे ने। तो असी मंग जी कर रहे हैं 5 महीनों तो भी ये पिछे काम कौन कर रहा है, ये पिछे मरवाने वाला कौन है, ये डी जी पंजाब चुप है, ये पंजाब पुलिस चुप है, मतलब ये कुल सारी चुप ने जोड़े इंसाफमंद लोग कि बोल रहे हैं तो प्रशासन चुप है। तो असी 5 महीनों तो यही मंग करते हैं भी ये मंग कौन काम करता जी, मरवाने वाला कौन सी, किने असले प्रोवाइड करवाए, किने इन्ना फंड प्रोवाइड करवाया। असी उन्होंने चाहते हैं भी वो लियाए जाने इस केस शामिल किए जाए। जिस तरह दीपक टीनू भी एक मानसा पुलिस के गिरफ्त चो भज जाता हूँ लगता है पुलिस दोबारा उन्होंने ले आएगी? देखो ये तो पुलिस का काम है जी, लिया ना लिया, असं तो चाहते हैं भी लियाओ, उन्हू पता करो, इतने लिया के चंकी तरह की तब्दीश की जाए भी वो किने भजाया, उन्हें किनू किनू पैसे दिते है, वह की मकसद ही जानता इतों, वो सारा कुछ इतने लिया के साथ सामने किया जाए। ये तो असं सारी चाहते हैं, इंसाफमंद लोग सारे ही चाहते हैं जी। की कहोगे लगातार परिवार हर बार जिहड़ा इंसाफ की मंग नूं लैके कहिंदा आ रहा कि प्रदर्शन करें, कोई ऐसी कोई लीकी है, कोई अगे रणनीति की लीकी हुई है? देखो साडी विचार चल रही है भी असी कोई बस थोड़े दिन हो लेते हैं फदर तो, असी कोई प्रोग्राम कोई लिखांगे वधिया लिखांगे तो फिर सरकार नूं दिखावांगे, भी नहीं तो साडी गल ते कोई बनी गल तो फिर जरूर बैठांगे। जिस तरह देखिया जो 5 महीने बीत गए पर लोग जिहड़े वख वख देश दे कोने दी गल कीती जाए विदेशां विदेशां तो फिर भी वह इस तरह जिहड़ा पिंड पहुँच रहे नेगे, बिल्कुल प्यार है उन्होंने अंदर, सिद्धू का प्यार है जी। सिद्धू ने मतलब यही मतलब उन्हें मापिया के हिस्से आ रहा है जिहड़ा लोगों के वो अपने अंदर बना के लोगों के अंदर बना गया, तो इंसाफमंद लोग साढ़े नाल ने, तो असी जो कोई प्रोग्राम देवे तो सानू उम्मीद है भी वो साढ़े नाल जाके उत्थे साडा साथ देणगे। एक परिवार ने कहा कि सिद्धू नूं गाणा राही जिंदा रखा जाएगा, ऐसा लगता कदों कोई गाना या कोई होर? हाँ, कोई असी उहदी कबाई दी बई है वो थोड़े मतलब चल रही है गलबात, तो असी देवांगे थोड़े दिन च आजूगी लोगों के सुनने वास्ते, वधिया चीज़ है जी। वो की सरकार तो मंग करते हैं? मंग तो यही करते भी इंसाफ दो, इंसाफ तो बाहू बारी बारी गल आप कह रहे हैं, इंसाफ वो नहीं है शूटर फड़ ले इंसाफ है, उन्होंने असं इंसाफ नहीं मानते, असं इंसाफ मानते हैं जिहड़े इहदे पिछे काम करन वाले, पिछली अख कड़ी है प्रोवाइड असला प्रोवाइड करवाया, जिन्होंने फंड प्रोवाइड करवाया, ये कुछ पोलिटिक्स लोग भी होणगे सानू लगता है, तो ये इंडस्ट्री के लोग भी है, उन्होंने मूहरे लिया जाए, असं ये चाहते हैं इन्हू इंसाफ मानते हैं। हाँ जी, की नाम है जी? सारे अच्छे लगते थे, मतलब कि सुपर हिट गाने देता था। क्या मांग कर रहे हो परिवार के लिए आप सरकार से? इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और भी गल करांगे, सी और भी नौजवान इतने पहुंचे हुए नेगे, की नाम है तुहाडा? मेरा गोविंद शर्मा। कितों आए होंगे? मैं फाजिलका पंजाब तो। कितों तो सिद्धू नाल जुड़े हुए सी, किहो जे गाने लगे? अज तो सर शुरू तो ही जुड़े, जो सर ने पहला गाना कढ़िया उहदे नाल नाल ही असीं तो शुरू सर नूं शुरू तो ही मनदे हां, ते 29 तरीक नूं इहनां दा जिवें कतल कर दित्ता सी
ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 29 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਬੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਸੈਨ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਖਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇ? 11 ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ 11 ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਟ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੋਪ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 74 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਮਾਨਸਾ।